डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन में हमें पढ़ना है सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं एन स्लिट्स को। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा, डिस्पर्सिव पावर, रे लाइट क्राइटेरिया ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड रिजोल्यूशन। ठीक, डिफ्रेक्शन और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन 1704 ट्रिटाइज ऑन द थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना, सर इराक न्यूटन रोट दैट लाइट इज नेवर नोन टू फॉलो क्रूक्ड पैसेज नॉर टू बैंड इन टू द शेडो। ये कहते थे स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, है ना। ऑन मच स्मॉलर स्केल व्हेन द लाइट वेव पास नियर अ बैरियर दे टेंड टू बैंड अराउंड द बैरियर एंड स्प्रेड टू एंगल्स। कोई एंगल पे जो है वो बैंड हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑकर व्हेन द लाइट वेव पासेस वेरी क्लोज टू एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड थ्रू अ टाइनी ऑब्जेक्ट सच एज स्लिट और अपर्चर। तो क्या कहते थे, पहले ये कहा जाता था कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में चलती है, ठीक है, और लेकिन हमने क्या देखा, अगर कोई स्मॉल होल है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। अब हमारा ये स्मॉल होल है तो वाटर अगर हम यहाँ पे पास कराएं तो वाटर वेव एस्केपिंग थ्रू द स्मॉल होल स्प्रेड द ऑल डायरेक्शन। तो वाटर हमारा चारों तरफ यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। सिमिलरली साउंड वेव्स हैं, यहाँ से जब पास होंगी तो ऐसा नहीं है कि जो इसके सामने है बस उसी को सुनाई देगा। इधर कोई खड़ा है, इधर कोई खड़ा है, उसको भी सुनाई दी जाएगा, है ना। सिमिलरली साउंड फ्रॉम द वेव मोशन इज फाउंड टू पास अराउंड द ऑब्स्टिकल ऑफ मॉड्यूलेट डायमेंशन। द अमाउंट ऑफ बैंडिंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो लाइट के लिए क्या कहा जाता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइट पाथ को फॉलो करती है। तो जब लाइट जाएगी तो सीधा सिर्फ यहाँ पे जाएगी, इधर हमें कुछ नहीं दिखेगा। बट फिर क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो लाइट है वो जो कॉर्नर्स है वहां से बैंड हो जाती है और यहाँ पे ही सीधा नहीं दिखता, बल्कि ये जो इसकी शेडो है यहाँ पर भी हमें कुछ लाइट दिखती है, ब्राइटनेस दिखती है। तो किसकी वजह से दिख रही है ये डेविएशन, किसकी वजह से दिख रहा है? ड्यू टू डिफ्रेक्शन या बैंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट सफर सम डेविएशन फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ इज पासिंग चूज द एज ऑफ एन ऑब्स्टिकल एंड नैरो स्लिट। द डेविएशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर। बट व्हेन द साइज ऑफ एन अपर्चर इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट दिस डेविएशन बिकम मच प्रोमिनेंट। अगर ये जो हमारा ऑब्स्टिकल है, ये नॉर्मली हम जैसे दरवाजे की बात कर लें या वॉल की बात कर लें, और हमने जस्ट डोर के सामने एक बल्ब ऑन किया और दूसरी साइड अगर हम जाके देखें तो ऐसा नहीं है सिर्फ दरवाजे के सामने हमें ब्राइटनेस दिखेगी, वॉल की दूसरी साइड भी हमें क्या है, ब्राइटनेस दिखती है, लेकिन हम डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हमें सिर्फ ब्राइटनेस दिखती है बट हम वो जो पैटर्न है डिफ्रेक्शन का वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो उस ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर की हमारी लाइट है और वेवलेंथ है। अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमें खाली ब्राइटनेस नहीं दिखेगी, हमें बैंड्स की फॉर्म में दिखेगा कि डार्क भी दिखेगा और ब्राइट भी दिखेगा। फिर हमें जैसे इंटरफेरेंस के अंदर बैंड्स दिखाई देते हैं ऐसे ही हमें डिफ्रेक्शन में भी वो बैंड्स या फ्रिंजेस दिखाई देंगी, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा लाइट जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का हमारा ऑब्स्टिकल होना चाहिए। ये डिफ्रेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे सिंगल स्लिट के थ्रू है, ये हमारा सिंगल स्लिट है। यहाँ पर स्लिट से लाइट पास हो रही है, पैलर बीम्स आ रही हैं और यहाँ से डिफ्रेक्ट होके यहाँ पे हमें स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो जा रहा है, ठीक है। फिर डिफ्रेक्शन का ये एक और एग्जाम्पल है कि क्लाउड्स ने क्या किया, सन को कवर कर लिया, उसके बाद भी जो बीच बीच में से गैप्स थे वहां से लाइट आ रही थी, तो ऐसा नहीं था सिर्फ बिल्कुल सीधी आ रही थी, हमें यहाँ पर भी ये ब्राइटनेस इस जगह दिखाई दे रही है। तो वो तभी दिख सकती है जब, ठीक है, ये लाइट जो है चारों तरफ हमें फैलती भी दिख रही है, वो तभी हो सकती है जब लाइट जो है बैंड कर रही हो, खाली स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रही हो।
चलिए, तो डिफ्रेक्शन इज एक्सप्लेन बाय, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आई इक्वल टू आई वन प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव से भी कर सकते हैं, हाइगन प्रिंसिपल से कर सकते हैं. हाइगन प्रिंसिपल क्या था कि जो हमारी वेव्स होती हैं वो वेव फ्रंट्स बना के आगे पाथ फॉलो करती हैं, और हर एक पॉइंट जो है फिर न्यू वेव को जनरेट करता है. तो जो लाइट है हमारी वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है ना, और हर एक पॉइंट न्यू वेव्स को आगे सेंड करता है. तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफ्रेक्शन. ठीक है, यहाँ पे वेव फ्रंट टी इक्वल टू जीरो पे है, फिर ये वेव फ्रंट्स हमारे आगे मूव होने स्टार्ट हुए. तो ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट सर्व एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ अ स्पेरिकल वेव फ्रंट्स. आफ्टर अ टी टाइम द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट विल बी दैट द सर्फेस टेंजेंट ऑफ दी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स. ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है कि टी टाइम बाद सबका वेव फ्रंट्स का जो हमारा टेंजेंट है वो एक ही जगह हमें मिल जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि डिफ्रेक्शन होता क्या है. एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि डिफ्रेक्शन हम टू टाइप से पढ़ते हैं, एक फ्रेजनर डिफ्रेक्शन एंड फॉन ऑफर डिफ्रेक्शन. हमारे सिलेबस में फॉन ऑफर डिफ्रेक्शन है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि डिफ्रेक्शन क्या है. व्हाट इज डिफ्रेक्शन, तो क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज डिफ्रेक्शन और इसका आंसर करना स्टार्ट करते हैं. लिखवाऊंगी मैं सिर्फ उतना जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, बताने के लिए तो हम बहुत कुछ बता देते हैं. ठीक है, लेकिन वो चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं है ना ही एग्जाम में आनी है, तो लिखने की उनको जरूरत नहीं होती है. तो व्हाट इज डिफ्रेक्शन, लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस इफ एन ऑब्स्टिकल, इफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर अपर्चर बी प्लेस्ड बिटवीन बिटवीन अ सोर्स बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन द लाइट बैंड्स द लाइट बैंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर. ऑब्स्टिकल एंड अपर्चर एंड एंटर्स द ज्योमेट्रिकल शैडो. जो भी हमारा ऑब्स्टिकल है उसकी ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर जाती है. दिस बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन. तो डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं इसको. यस मैम. यस मैम. चलिए तो आगे करते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉनहोफर डिफ्रेक्शन एंड फ्रेजनर डिफ्रेक्शन. तो हमें इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है कि फ्रेजनर डिफ्रेक्शन और फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर उसको लिखेंगे. तो डिफ्रेक्शन फिनोमेना आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फ्रेजनर डिफ्रेक्शन एंड फॉनहोफर डिफ्रेक्शन. पहले क्वेश्चन लिखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉनहोफर डिफ्रेक्शन एंड फ्रेजनर डिफ्रेक्शन. डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉनहोफर डिफ्रेक्शन एंड फ्रेजनर डिफ्रेक्शन. और फिर आंसर में लिखेंगे डिफ्रेक्शन फिनोमिना डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, और दो कॉलम्स बना लेंगे, एक फ्रेजनर डिफ्रेक्शन के लिए एक फॉनहोफर डिफ्रेक्शन के लिए. ठीक है, और फिर उसको हम समझते हैं, फिर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे. यस मैम. क्वेश्चन लिख लिया, तो चलिए इसको समझते हैं. तो हमें डिफ्रेक्शन के लिए क्या चाहिए, डिफ्रेक्शन के लिए हमें सोर्स चाहिए. ठीक है,
फिर हमें एक डिफ्रैक्टिंग डिवाइस लिखी चाहिए। मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही एक लाइन खींच दे रही हूँ, ठीक है, इसको मैं डिफ्रैक्टिंग डिवाइस बोल देती हूँ। एक हमें डिफ्रैक्टिंग डिवाइस चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए जिस पे हम ये ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो अब फॉनहोफर, यहाँ पे फॉनहोफर की स्पेलिंग गलत हो रही है, एक मिनट रुकिए मैं इसको ठीक करके आती हूँ। ओके एक मिनट और रुकिए, इसको भी ठीक करके फिर ही आ रही हूँ, है ना ये। चलिए ठीक है, तो क्या चाहिए? हाँ मैं बता रही थी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्रेजनल डिफ्रेक्शन एंड फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में। तो हमें क्या चाहिए, डिफ्रेक्शन के लिए एक सोर्स चाहिए, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस चाहिए और स्क्रीन चाहिए। तो स्क्रीन से डिफ्रैक्टिंग डिवाइस के बीच का सेपरेशन और डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है फ्रेजनल डिफ्रेक्शन के अंदर, ये जो डिस्टेंस है ये फाइनाइट होती है, जबकि फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में ये जो डिस्टेंस होती है ये इनफाइनाइट होती है, ठीक है। क्योंकि फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में जो ये बीच की डिस्टेंस है ये हमारी फाइनाइट है, तो हमें किसी भी तरीके की लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो सोर्स और डिफ्रैक्टिंग डिवाइस के बीच में हमें कोई सोर्स की लेंस की जरूरत है, ना ही हमें डिफ्रैक्टिंग डिवाइस और स्क्रीन के बीच में किसी लेंस की जरूरत है। बट फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वो सोर्स से डिफ्रैक्टिंग डिवाइस हो चाहे डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से स्क्रीन हो, क्योंकि इनफाइनाइट है, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ जाती है। तो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में कोई लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में लेंस की जरूरत पड़ती है, और वो भी टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में क्योंकि यहाँ पे कोई लेंस नहीं है, तो जो लाइट सोर्स से डिफ्रैक्टिंग डिवाइस पे इंसिडेंट होगी वो या तो स्पारिकल वेव फ्रंट में होगी या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में होगी, ठीक है। जबकि फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया, तो कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट आगे जाएगी वो प्लेन वेव फ्रंट में फॉर्म हो जाएगी, तो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस पे जब वो इंसिडेंट होगी तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होंगे। तो मतलब फ्रेजनल डिफ्रैक्शन दोनों की वेव, हाँ क्या बोल रहे हैं, दोनों की वेव फ्रंट प्लानर होगी? नहीं नहीं, दोनों की प्लेन नहीं होगी, है ना, वही तो बोल रहे हैं कि फ्रेजनल में क्या है, यहाँ पर ये लेंस नहीं है। मैंने ये लेंस तो किसके लिए बनाया है, फॉनहोफर के लिए बनाया है, तो यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। और जब यहाँ पे कोई लेंस नहीं होगा तो यहाँ से जो वेव फ्रंट्स आएंगे या तो वो स्पारिकल वेव फ्रंट्स होंगे या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होंगे। तो यानी कि जो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन है उसमें जो वेव फ्रंट्स होंगे वो हमारे या तो स्पारिकल वेव फ्रंट्स होंगे जो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, या सिलेंड्रिकल होंगे, ठीक है। जबकि फॉनहोफर में जो ये वेव फ्रंट्स हैं प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। फिर हमें क्योंकि फॉनहोफर में लाइट को फोकस करने के लिए भी लेंस की जरूरत हो रही है, तो डिफ्रैक्टेड लाइट इज कलेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। और क्या अंतर है यहाँ पर, फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में क्या होता है, जो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है मैं यहाँ बना रही हूँ इस तरीके की होती है, इसको हम फ्रेजनल जोन प्लेट बोलते हैं। इसमें इस तरीके से डॉट्स होके छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं, नेक डाई से इतना नहीं दिखता, बट इस तरीके के डॉट्स होते हैं, इनको हम फ्रेजनल जोन्स बोलते हैं, ठीक है, फ्रेजनल जोन्स बनते हैं। तो मतलब जो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन है इसमें जो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है वो हमारी फ्रेजनल जोन प्लेट होती है, फ्रेजनल जोन प्लेट होती है। जबकि जो फॉनहोफर डिफ्रेक्शन है वहां पर जो डिफ्रेक्टिंग डिवाइस है या तो सिंगल स्लिट होती है या डबल स्लिट होती है या हमारी एन स्लिट होती है, ठीक है, यानी कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग, ठीक है।
तो फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में जो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है वो हमारी सिंगल स्लिट पहले स्लिट ही लिख रही थी ना, तो सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट होते हैं। सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट डिफ्रैक्टिंग डिवाइस होती हैं। और लास्ट डिफरेंस क्या है कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो सेंटर है हमारा, इसका यहाँ पर मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फ्रेजनल जोन प्लेट। यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं, ये कितने जोन्स हैं यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा डिपेंड करता है कि सेंटर पे हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा दिखेगा। जबकि फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में सेंटर पे हमेशा हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, चाहे वो सिंगल स्लिट का केस हो, चाहे डबल स्लिट का केस हो, चाहे एन स्लिट का केस हो, कोई सा भी केस हो, सेंटर पे हमेशा हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं, इसको अब हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में क्या लिखेंगे, द सोर्स और स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टिकल और डिफ्रेक्टिंग डिवाइस। यहाँ पे लिखेंगे द सोर्स और स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में। फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में द इंसिडेंट वेव फ्रंट आर आइदर स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल। फॉनहोफर डिफ्रेक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नो लेंस इज यूज फॉर ऑब्जर्वेशन, डिफ्रैक्टेड लाइट इज कलेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। फ्रेजनल जोन प्लेट इज यूज टू गेट डिफ्रेक्शन पैटर्न। फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में यहाँ पर सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और ग्रेटिंग, ग्रेटिंग मीन्स एन स्लिट, इज यूज टू गेट डिफ्रेक्शन पैटर्न। सेंटर ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न मे बी डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रेजनल जोन्स। द सेंटर ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑलवेज मेंशन से भी चलिए। होता है। हाँ चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये मैं करा नहीं रही हूँ डेरिवेशन, ठीक है, लेकिन ये आपको आना चाहिए क्योंकि हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक ये वाली जो लाइन है, एक वाइब्रेशन है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, फिर ये दूसरा वाइब्रेशन है जिसका एम्पलीट्यूड ए है बट ये पहले वाले से डी फेज डिफरेंस पे है, फिर ये हमारा थर्ड वाइब्रेशन है जो इस वाले से डी फेज डिफरेंस पे है। एम्पलीट्यूड सबका सेम है, ए ए ए एम्पलीट्यूड, ठीक है, और हर एक वाइब्रेशन अब से पहले वाले से, टू कॉन्जिक्यूटिव वाइब्रेशंस के बीच का जो हमारा फेज डिफरेंस है वो हमारा डी है। तो जैसे मैं फर्स्ट ये वाला, मैं इसको वन बोल देती हूँ, उसको टू बोल देती हूँ, तो वन और टू के बीच में जो फेज डिफरेंस है डी है, टू और थ्री के बीच में फेज डिफरेंस डी है, तो वन और थ्री के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 2D हो जाएगा। ऐसे ही करके हमारे पास टोटल n वाइब्रेशंस हैं, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, हर एक वाइब्रेशंस को टू पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। तो r cos थीटा इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सारे लिख लेते हैं, तो पहला वाला हमारा का कोई वो चेंज नहीं होगा, तो a ही रहेगा, a प्लस a cos d प्लस a cos 2d, ऐसे करके हम इक्वल करके लास्ट वाला जो हमारा ये होगा ए कॉस एन माइनस वन डी। ऐसे ही हम साइन वाला ले लेंगे, साइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आर साइन थीटा इक्वल टू ए साइन डी प्लस साइन टू डी प्लस साइन थ्री डी एट डैश 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 साइन एन माइनस डी। और इनको हम सॉल्व करते हैं, करने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है, थोड़ी सी टिग्नोमेट्री यूज होती है तो वो हम नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये रिजल्ट चाहिए कि इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है आर, वो होता है ए साइन एन डी अपॉन टू साइन डी बाई टू, वेयर ए क्या है, एम्पलीट्यूड है हर एक वाइब्रेशन का, एन क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, डी क्या है, फेज डिफरेंस है टू कॉन्जिकेटिव वाइब्रेशन के बीच में। तो ये रिजल्टेंट यूज हमें करना होता है जब हम सिंगल स्लिट, डबल स्लिट या एन स्लिट यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आर इक्वल टू ए साइन एन डी बाय टू साइन डी बाय टू, वेयर ए क्या है आपका एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, एन क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ हार्मोनिक मोशन लिख लीजिए चाहे तो, नंबर ऑफ हार्मोनिक मोशन है ठीक है, डी क्या है फेज डिफरेंस है टू कंसेक्यूटिव वाइब्रेशंस के बीच में, बिटवीन टू वाइब्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव वाइब्रेशंस ठीक है।